सबसे पहले तो आपको बैसाखी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बैसाखी के त्यौहार को खुशहाली और समृद्धि का त्यौहार माना जाता है। बैसाखी के दिन सिख समुदाय के लोग गुरुद्वारों में विशेष उत्सव मनाते हैं, क्योंकि इस दिन सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने 13 अप्रैल 1699 में आनंदपुर साहिब में मुगलों के अत्याचार से मुकाबला करने के लिए खालसा पंथ की स्थापना की थी। हिंदू धर्म में जिस तरह होली और दीपावली का पर्व मनाया जाता है, उसी तरह सिख लोग के लिए भी बैसाखी का त्यौहार खास होता है। बैसाखी मुख्य रूप से कृषि का पर्व माना जाता है। किसान अपनी पकी हुई रबी की फसल देखकर खुश होते हैं। बैसाखी का पर्व हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन गेहूं, तिलहन आदि फसल की कटाई शुरू होती है। इस दिन लोग अनाज की पूजा करते हैं। हिंदी कैलेंडर के अनुसार इस दिन को नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का अपना एक विशेष महत्व माना जाता है। इस खुशी के मौके पर लोग भांगड़ा नृत्य करते हैं। बैसाखी के दिन सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इसे मेष संक्रांति भी कहा जाता है। एक बार फिर से आप सभी को बैसाखी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं।